प्रिय साथियों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल askvastu.com में आप सबका स्वागत है। मैं अनिल कुमार वर्मा, चार्टर्ड इंजीनियर, वास्तु एवं जियोपैथिक स्ट्रेस कंसल्टेंट, आज आपको एक नए विषय में बताने जा रहा हूँ। मेरा विषय होगा कि आप जब कोई घर खरीदते हैं, विशेष करके बिल्डर से रेडी टू मूव हाउस खरीदते हैं, या ऐसा कोई घर बुक करते हैं जो कि बिल्डर बना के आपको दे रहा है, तो आपको वास्तु से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहिए। मेरे देखने में आया है कि वास्तु के नाम पर लोग सीधे घर के अंदर प्रवेश करके टॉयलेट कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है और एंट्री कहाँ से है, इन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि किसी भी घर के लिए सबसे पहले उसकी सराउंडिंग देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके घर के आसपास या उस प्रोजेक्ट के आसपास कहीं कोई शमशान तो नहीं है, कहीं कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, कोई लगा हुआ कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, इसके अलावा कोई स्लॉटर हाउस तो नहीं है, यानी जहाँ पर कि बकरे मुर्गे या बड़े जानवर काट के बेचे जाते हैं। इस तरह के जो स्थान हैं उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके घर को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए पहले सबसे ये देखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं या हमें अवश्य देखना चाहिए वो है उस स्थान का नेचुरल स्लोप, यानी टोपोग्राफिकली उसका स्लोप कैसा है। वास्तु कहता है कि अच्छा स्लोप उसे माना जाता है जो कि साउथ वेस्ट में ऊंचा और नॉर्थ ईस्ट में सबसे नीचा हो। अगर ऐसा स्लोप आपको मिल जाता है तो आप ये मानिए कि आपको बहुत अच्छा घर मिल रहा है। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि हमें अपना घर हाई टेंशन लाइन से दूर बनाना चाहिए। हाई टेंशन लाइन, वैसे भी शासकीय नियम ये कहते हैं कि हाई टेंशन लाइन से 40 फुट की दूरी तक तो घर बन नहीं सकता, लेकिन आजकल आप जैसे जानते हैं कि पैसे के प्रभाव इतना बड़ा है, बिल्डर उसके आसपास घर बना देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई घर ना ले जो जहाँ से हाई टेंशन लाइन जा रही है उसका रेडिएशन आपके घर में आता है। मुझे ऐसे कई घर देखने को मिले जिनके बेडरूम तक रेडिएशन आ रहा था, और ये रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, और इससे बचना अति आवश्यक है। एक और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था वो ये कि जब आप स्कैनर से प्लॉट स्कैन करवाते हैं तो जियोपैथिक स्ट्रेस ज़रूर स्कैन करवा लें। जियोपैथिक स्ट्रेस पर अगर आप सोते हैं तो आपको बीमार तो करेगा ही, आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन कर देता है, और इस पे जो लगातार सोते हैं उन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मुझे अभी तक मेरी प्रैक्टिस में 59 यानी 59 कैंसर के केस मिल चुके हैं जो कि ये हैं। अंदर आने के पहले एक आध चीज़ और देख सकते हैं, वो ये है कि कहीं किसी दूसरे घर का कोना तो आपके घर की दिशा में नहीं आ रहा, वो भी एक दोष होता है। एक और चीज़ जो है जिसे हम लोग विधिशूल कहते हैं वो है टी जंक्शन पे तो आपका घर नहीं आ रहा। टी जंक्शन भी, क्योंकि जब गाड़ियाँ आपके घर के सामने से आती हैं कोई भी गाड़ी को, तो उसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ गाड़ी लेफ्ट या राइट को टर्न हो जाती है तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो एनर्जी पैदा होती है वो तुरंत लेफ्ट या राइट में नहीं मुड़ पाती, सीधे आपके घर में आती है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म करती है। ये साइंटिफिक है लेकिन इनको जो हमारे यहाँ की वास्तु की पुस्तकें हैं उनमें लिखा नहीं गया है, इसलिए लोग इसको बखान नहीं करते। इसके बाद हमें देखना होता है कि बाउंड्री वॉल में गेट कहाँ है। हर दिशा में 2 या 3 गेट ऐसे होते हैं जो कि हमारे वास्तु के हिसाब से उचित होते हैं, तो हमें सबसे ये देखना होगा कि वे दिशाएं। एक बात तो ये मान लीजिए कि अगर उस दिशा के मध्य में आपको गेट मिल रहा है तो वह हमेशा अच्छा होता है। गेट के बाद आपको अंदर ये देखना चाहिए कि वो बिल्डर ने सेप्टिक टैंक कहाँ उसमें डिज़ाइन किया है आपके घर के लिए, आपके घर में ट्यूबवेल कहाँ डिज़ाइन किया गया है, तो ये बातें आपको पहले से मालूम होना चाहिए। सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट के डायरेक्शन में हो तो उसे उचित माना जाता है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी घर में
नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में सेप्टिक टैंक कभी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ जो कि कुबेर का स्थान है वहाँ नहीं होना चाहिए, वरना आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और ईस्ट में भी अवॉइड करें सेप्टिक टैंक को। तो उचित स्थान सबसे अच्छा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट होता है, जहाँ पर कि सेप्टिक टैंक हो सकता है। अब बात करें जो भी धरती के अंदर जो चीज़ें हो सकती हैं, वो है आपका ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आपको सबसे अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन डायगोनल लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा वो चाहे नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, तो नॉर्थ ईस्ट की साइड में वो अच्छा माना जाता है। आजकल बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल स्कैनर कहते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लीकर एंटीना कहलाता है, जिसे एक जर्मन फिजिसिस्ट डॉक्टर लीकर ने डिज़ाइन किया था, और फ्रांस की एक एक्मॉस नाम की कंपनी इसे बनाती है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं कि उस प्लॉट में जिसमें आपका घर बनने जा रहा है, उसके नीचे कोई एंटिटी वाले स्थान तो नहीं है। एंटिटी से मेरा मतलब है कि कभी वहाँ पर कोई कब्र तो नहीं रही, कोई मुर्दा तो नहीं जलाया जाता था, या वहाँ हड्डियाँ वगैरह तो नहीं गड़ी हैं, या किसी ने टोना टोटका या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ब्लैक एनर्जी वाली, वो तो नहीं की गई हैं। तो वो इस स्कैनर की सहायता से खोजा जा सकता है। फिर आपको ये देखना चाहिए कि कोई बंजर भूमि में तो प्लॉट नहीं बनाया गया है। बंजर भूमि के स्थान पर यदि प्लॉट कोई उपजाऊ भूमि पर है तो उसे अच्छा माना जाता है। प्लॉट का शेप आप देखोगे तो वो बिल्डर से अगर आप ले रहे हो तो मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप भी बना के देते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद ये बाहरी चीज़ें देखने के बाद हमें ये देखना होगा कि हमारे घर के अंदर डिज़ाइन कैसी बन रही है। घर के अंदर जो मैंने द्वार की बात की, मुख्य द्वार, वो घर में सबसे बड़ा होना चाहिए, और उसके डायरेक्शन भी हर दिशा में, मैंने जैसे बताया दो या तीन लोकेशंस अच्छी होती हैं, उस स्थान पर होना चाहिए। और अंदर जब जाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, उसी तरह से टॉयलेट भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कोण कहते हैं, कोई ईश्वर का स्थान माना जाता है। अगर वहाँ सेप्टिक टैंक या टॉयलेट बनाया जाता है तो आपको हर तरह से परेशानी पैदा करेगा। कोई एक परेशानी नहीं है, जीवन में जितने तरह की परेशानियां हो सकती हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे उस घर में, यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक है। इसके बाद दूसरी मुख्य बात होती है आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट के बेडरूम होने का कारण क्या है? देखिए मित्रों, वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट्स को महत्व दिया गया है, 5 तत्वों को दिया गया है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों पर सभी जानते हैं कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उनमें माना जाता है कि इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से वास्तु यानी किसी भवन का भी निर्माण होता है। तो साउथ वेस्ट में मैंने इसलिए बोला बेडरूम रखने के लिए मास्टर बेडरूम यानी मकान मालिक का बेडरूम, क्योंकि वो भूमि का स्थान है, वो उन्हें जीवन में स्थिरता लाता है, उनकी स्टेबिलिटी लाता है, उनके बिजनेस में, उनके कार्यक्रम में, उनके जो भी रोजगार वो करते हैं, जो सर्विस वो करते हैं, और घर के रिलेशनशिप हर चीज़ मामले में वो एक स्थिरता ला देता है। इसलिए साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम होना अच्छा माना जाता है। वैसे देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आपको दिखाई पड़ेगा। ये चार्ट जो है आपके घर के पूरे प्लॉट को 9 भागों में बांट देता है। 9 भाग कैसे होते हैं? हम लोग एक कोने से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, इसके बाद में आएगा साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर साउथ वेस्ट आएगा, उसके बाद में आएगा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ऊपर आके नॉर्थ आएगा। ये 8 दिशाएं होंगी, और बीच में जो स्थान रेक्टेंगल बसता है उसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जो कि आकाश को रिप्रेजेंट करता है। ये चारों कोने जो हैं ये 4 तत्वों को डिनोट करते हैं, और बीच का जो हिस्सा है वो आकाश तत्व को डिनोट करता है। तो हर
तत्व के अपनी विशेषता है, उनके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या होना चाहिए आपके घर में। जैसा कि मैंने बताया आपको, साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। वहाँ पर क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, इसलिए ये इसका फ्लोर लेवल भी बाकी घर से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और यहाँ से ढाल जो है हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दूसरा स्थान हम चर्चा करेंगे इसके डायगोनली अपोजिट नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, नॉर्थ ईस्ट के कोने में आप देखेंगे कि इसे ईश्वर का स्थान या ईशान कोण कहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट ये दिशाएं ऐसी हैं जहाँ से कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, और सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट के कोने में ही आती है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जहाँ से हमारे घर को सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है उसी को पॉल्यूट करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये वो स्थान है जो कि जल तत्व को डिनोट करता है, इसलिए ट्यूबवेल यहाँ होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप यहाँ बना सकते हैं, यहीं पर आप कुआं भी खुदवा सकते हैं। कहीं कहीं जिस घरों में कुएं की ज़रूरत है या जहाँ ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं होते, कुआं बनाना चाहते हैं, तो वहाँ कुआं भी बना सकते हैं। और यही स्थान हमारे घर में पूजा के लिए भी श्रेष्ठ है, इसलिए अगर आप छोटा सा मंदिर घर में रखते हैं तो इस स्थान पर रखना आपके लिए उचित होगा। उसमें यह ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व की तरफ हो। आगे आए तो दूसरा इम्पॉर्टेंट कोना होता है साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट अग्नि तत्व को डिनोट करता है, दर्शाता है, इसलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका किचन। किचन भी ऐसा होना चाहिए कि जो महिला खाना बना रही है या पुरुष खाना बनाता है, तो उसका चेहरा, उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, और उसकी खिड़कियां भी पूर्व दिशा की होना चाहिए। यहाँ भी जो जल का स्थान आप किचन के अंदर बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट कोने में बनाइए, उचित होगा। इस कोने में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, अपने बाउंड्री वॉल के बाहर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर अगर लगाना चाहते हैं, ये लगाया जा रहा है उस कॉलोनी में, तो आपका साउथ ईस्ट में ट्रांसफार्मर अच्छा होगा। आप अपने घर में इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी साउथ ईस्ट में होगा। यदि कहीं ज़रूरत पड़ती है जनरेटर लगाने की तो जनरेटर भी यहीं पर होगा। इस तरह की सारी चीज़ें जो कि अग्नि तत्व को डिनोट करती हैं वो सारी साउथ ईस्ट में होंगी। अब चौथा कोना हम देखते हैं वो है नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है वो वायु तत्व को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर बच्चों का बेडरूम हो सकता है ताकि वो तरक्की करें, आगे बढ़ें। वेस्ट में भी बच्चों का, छोटे बच्चों का हो रखा जाता है जो कि पढ़ाई कर रहे हों। नॉर्थ वेस्ट में लड़कियों के लिए, विशेष करके जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए ये कमरा सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जल्दी विवाह तय होता है उनका, ऐसा माना जाता है। यही स्थान गेस्ट रूम के लिए भी उचित है। हंसने की बात यह है कि ये माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप गेस्ट रूम रखेंगे तो मेहमान आपके घर में बहुत लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, इसीलिए ड्राइंग रूम भी यहाँ बनाने की सलाह दी जाती है। ड्राइंग रूम में भी बहुत ज़्यादा गप उड़ाने वाले लोग बैठे नहीं रह जाएंगे आपके घर में। अब रही बात बीच की, बीच में जो मैंने बताया ब्रह्म स्थान मानते हैं, आकाश तत्व को डिनोट करता है, तो इसे खाली रखना उचित माना जाता है। यहाँ कहीं भी कोई विशेष करके कुआं वगैरह ना बनाएं, वाटर टैंक ना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना बनाएं। यहाँ तुलसी घरों तक बना सकते हैं, अगर आपने घर में आंगन बनाया तो तुलसी यहाँ लगाई जा सकती है। इसे भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इस तरह से देखने वाली बात है। और जो दूसरी बातें हैं, जैसे कि आपका बच्चों का पढ़ने वाला कमरा, वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है। विशेषकर अगर कोई पीएचडी कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा सबसे अच्छा होगा। जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ बुद्धि विवेक आपके अच्छी तरह काम करते हैं,
इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कमरा होना अच्छा होगा। ये बाकी जो छुट बातें हैं मैंने पूरे चार्ट में बनाई हुई है, आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपने घर का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद और बात जो घर के अंदर जब आप बेडरूम में अपने बेड लगाते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपका सिराहना किधर रखना चाहिए। सिराहना आपका सबसे अच्छा दक्षिण दिशा में होता है। यदि दक्षिण दिशा में सिराहना नहीं मिल लगा पा रहे आप किसी कारणवश, तो आप पूर्व में लगा सकते हैं। क्यों? जो साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आपका शरीर रहता है तो आप अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स की धारा में रहते हैं और आपका सिर जो कि शरीर का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को अटैक करता है। रात को जब सोते हैं हमारे शरीर के जो लाल रक्त कण हैं वो मैग्नेटिकली चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के कारण हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो सिर की तरफ काफ़ी अच्छी तरह से होता बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर आप उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं तो रक्त का प्रवाह हैम्पर होता है, घटता है, क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल, पृथ्वी का नॉर्थ पोल और हमारे शरीर का नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि नॉर्थ में सिर कभी नहीं रखना, साउथ में सिर रख के सोना चाहिए। इसी के साथ में ये और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि बीम के नीचे कभी नहीं सोना। बीम के नीचे, बीम टेक्निकली जो सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में सिंपली सपोर्टेड होती हैं, यानी दोनों तरफ वेट होता है, वेट उसमें आता है, तो जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स से, वेट तो नीचे की ओर खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन बीम ने उसको रोका हुआ है, तो रोकी हुई जो एनर्जी है वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर पर आती है, इसलिए उसके नीचे हमें ना सोना चाहिए और ना बैठना चाहिए। ये बात हमेशा हमें ऑफिस में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बीम के नीचे ना बैठें ताकि हम इस नेगेटिव ऊर्जा के प्रवाह से दूर रहें। आशा है कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। यदि ये विचार पसंद आते हैं, ये कंटेंट अच्छा लगता है मेरे चैनल का, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें।